कोरोना संक्रमण से बचने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर जोर दे रहा है, लेकिन दूसरी ओर देश भर में करोड़ों लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि तंबाकू का उपयोग करने वाले लोगों में कोरोना संक्रमण का खतरा सामान्य व्यक्तियों के मुकाबले करीब 50% अधिक होता है, साथ ही अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। यही वजह है कि विश्व भर में 80 लाख और देश भर में 13 लाख लोगों की तंबाकू की वजह से मौत हो रही है, जिसे देखते हुए 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश लेडवानी का कहना है कि तंबाकू का उपयोग फेफड़े, मुंह और गले सहित कई प्रकार के कैंसर का कारण बनता है। करीब 40% कैंसर और करीब 30% दिल के दौरे तंबाकू की वजह से होते हैं। भारत में हर साल 13 लाख और राजस्थान में 77,000 लोग तंबाकू के कारण अकाल मौत का शिकार हो रहे हैं। वहीं प्रदेश भर में इसको लेकर कई जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। आज मैं आपको तंबाकू और तंबाकू से होने वाले वेरियस इफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बेसिकली वर्ल्ड वाइज 90% कैंसर के कारण जो है वो एक टबाको या टबाको के बाय प्रोडक्ट्स है। सेकंड थिंग, सिर्फ कैंसर ही नहीं, टबाको कैंसर के अलावा भी शरीर में बहुत सारी डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे क्रॉनिक COPDs, क्रॉनिक माउथ अल्सरेशंस, लैरिंजाइटिस, छोटे मोटे आंतों की प्रॉब्लम्स। और दूसरा, आज इस महामारी कोरोना से हम गुजर रहे हैं उसके अंदर भी एक ये तंबाकू टबाको एक कोरोना को हराने में हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि कोरोना का मोन्स्ट